जब से त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ इस बार, उसके बाद इसमें जो चुनाव लड़ने वाले बहुत से सपने लेकर आए थे। वोट देने वाले के पास बहुत सपने हैं कि हम अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुन रहे हैं, हमारे गांव में विकास होगा, हमारे वार्ड में विकास होगा, और खास करके वार्ड सदस्यों के चुनाव में मारा मारी था सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल और उस मारा मारी के बीच में जब वार्ड सदस्य चुने गए, जनता का प्रेशर रहा कि हमारे वार्ड सदस्य यह काम करवा लेंगे, वह काम करवा लेंगे, और जो युवा जो वार्ड सदस्य चुने गए उनके भी मन में आया था कि हम तो बदल कर रख देंगे, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि वार्ड सदस्यों के पास विकास की चाबी रहेगी, छोटे विकास वार्ड सदस्य करेंगे और बड़े विकास मुखिया जी करेंगे। अब लेकिन तो वार्ड हुआ क्या? सदस्य आज इस्तीफा देने के मूड में है। 30 जनवरी 2024 को इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन सरकार बदल गई और इस्तीफा फिर चेतावनी रैली में बदल गई। रैली बदल गया, लेकिन देखिए इस्तीफा की बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम लोग तो अपना परिचय ही नहीं दिए हैं, तो जी परिचय देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभय, और मैं हूं आपके साथ सुनील। सुनील, तो हम दोनों हमेशा आपको चुनाव लड़वाने से लेकर चुनाव परिणाम तक आपके साथ जुड़े रहे, आपसे ऐसा संबंध बन गया कि अब कुछ आप लोग का भले रुचि थोड़ा घटा है, लेकिन हम उसी एनर्जी और उसी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए रिसर्च करते हैं, जहां भी मौका मिलता है हम आपके अधिकारी से, आपके मंत्री से सवाल भी करते हैं आपके लिए। लेकिन दोस्तों, जितना व्हाट्सएप सदस्यों की संख्या है उतनी संख्या में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक भी नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम हमें बताता है कि 90% जो लोग हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। तो क्या जाता है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आता है 1-1 लाख, 2-2 लाख, लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया। जितने लोग वीडियो को देखते हैं अगर उतना कर दें तो आपकी आवाज को और ताकत से। तो खैर सुनील, बात कर रहे हैं कि जब वार्ड सदस्य लगातार अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय प्रदेश तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग मांगने की बात कर रहे थे, और मजे की बात यह है कि जो भी पार्टी विपक्ष में रहती थी वो वार्ड सदस्यों को साथ देते हुए कहता था कि वार्ड सदस्यों का मांग बिल्कुल जायज है, इनकी मांग मानी जानी चाहिए। मैं मान रहा हूं कि इनकी मांगे जो है बिल्कुल जायज है, लेकिन इनको जो हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, इसका दोषी कौन है? खुद वार्ड सदस्य। अब कैसे, जहां पटना में इनकी कई धरना प्रदर्शन और रैलियां हुई, मैं भी गया था। अगर उन धरना प्रदर्शन और रैलियों को अगर देखा जाए, उनकी संख्या को देखा जाए, तो जितनी संख्या में वो हैं उसके 25% भी वो उपस्थित नहीं है। बिल्कुल, मतलब हम लोग का चलने वाला हाल वहां भी है, वहां भी कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। तो सब चीज में पीछे रहिएगा तो हाल तो यही होगा कि रबड़ स्टाफ बनकर रह जाइएगा। तो जब आपका संगठन ऐलान करती है पटना पहुंचने के लिए, जिला पहुंचने के लिए, तो आप तो घर पर बैठे रहते, अपने कामों को देखते रहते। दूसरी, आपका अधिकार तो सरकार ने बना दिया है कि जिस वार्ड में अगर काम, कोई भी काम हो रहा है, चाहे जिस मत से हो, वहां पर वार्ड सदस्य की भूमिका जरूरी है, और नहीं तो भ्रष्टाचार का वो गंध आता है, महसूस होता है, या मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में भी कई बार बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मान लीजिए कि मुखिया जी आपके वार्ड में काम करा रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे, तो आप उस काम को क्यों नहीं रुकवाते हैं? हाँ भाई, आप उसमें आप जो नहीं जो मांगे क्यों नहीं जानते गुणवत्तापूर्ण काम है? गुणवत्ता ठीक है, आपसे नहीं पूछे, कहिए ठीक है कोई करवाए, तो उसको गुणवत्ता को देखिए। तो आपको तो गुणवत्ता देखना नहीं है, आपको उसमें हिस्सेदारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आप केवल कह रहे हैं कि हमारा अधिकार, यानी कि रुपया के लिए। तो अगर यह कर दीजिएगा कि आप हमको जो हक और अधिकार है वो दीजिए, गुणवत्तापूर्ण देखिए, तो निश्चित है जब गुणवत्ता देखने लगिएगा और गुणवत्ता सही न रहेगा तो उसको रोक लगाकर उच्च अधिकारियों को खबर कीजिएगा, तो निश्चित है कि मुखिया जी हो या किसी भी मत से काम हो, आपकी सहमति जरूर है। ये तो बात हो गई इनकी जो क्रियाकलाप है जिस व्यवस्था में, लेकिन इनका जो मांग कुछ है ऐसा, देखिए जब इनको स्वच्छता नहीं मिलेगी, वार्ड प्रबंधन समिति जो है तो एकदम सुस्त पड़ गया है। देखिए एक देखिए अभी बात पैसे ही नहीं आ रहे उसमें। एक बात याद आया कि एक अभी जिले से एक खबर आई है कि एक पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एकजुट हुए और मुखिया जी पर अविश्वास प्रस्ताव ला दिए। बिल्कुल, हाँ, मुखिया जी पर अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, क्योंकि उनकी गुणवत्ता को उन्होंने कहा कि सही काम नहीं करा रहे हैं, हम लोग असंतोष है। अब वहां पर जो है ला दिए तो मुखिया का तो जरूर भय हो गया,
अब उनका हक और अधिकार को तो काटेंगे नहीं, तो हक और अधिकार मिला नहीं मिलता है तो छीनने का भी काम किया जाता है, कोई आपको पैकेट में आकर डालेगा नहीं। और सरकार को जो दोषारोपण करते हैं वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार तो नियम बना दिया है कि इस वार्ड में इतना सबके लिए करा जा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो सरकार तो सोलर स्ट्रीट लाइट हर वार्ड के लिए बांट दिया कि 10-10 लगेंगे। बिल्कुल, अगर आपके वार्ड में नहीं लगता है तो इसकी खबर आपको लेनी चाहिए और सरकार पर दोष करते हैं। नहीं बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो मांग है, इनकी मांग को तो भाई आप मांग के अपने मुखरता से उठाइएगा तब ना। और देखिए अभी चुनावी वर्ष है और जिस हिसाब से आपके जो भी प्रदेश के नेता हैं उन्होंने घोषणा किया है कि हम अब ये जो बजट सत्र है उसको उस समय घेराव करेंगे विधानसभा का, तो घेराव में भारी संख्या में लोग आप लोग पहुंचिए, अपनी एक दिखाई है। में बहुत सारी महिलाएं जीती, कितना परसेंट वहां दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप और तो केवल आप प्रदेश अध्यक्ष चाहे दो हो या चार हो, गणेश चौधरी का भी हमेशा बयान आते रहा है, बीते दिन भी बयान आया है, नई सरकार गठन पर उन्होंने बधाई दिया है, अपनी बातों को रखा है। तो एक आदमी को चिल्लाने से तभी वह जोड़ पकड़ेगा जब आपका पीछे सहयोग रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है ना कि अभी जो उप मुख्यमंत्री के जी में पंचायती राज विभाग मिल गया है, पहले अभी पहले भी वादा किए थे सब चीज करने का, वादा को याद दिलवाइए, आप वादा को याद दिलवाइए। तो आप केवल घर में बैठे रहते हैं, और अलबत्ता अगर कुछ अगर हम आपके लिए खबर बता दें तो सर आप झूठ बोल रहे हैं। हमें तो लाभ मिला तो कौन मिलेगा आपको, घर में जाकर आपको पैकेट में लुक देगा। आपको हम सूचना दे रहे हैं कि योजना इस वार्ड के लिए आया है, आप योजना को खोज कीजिए, योजना दूसरा कोई करवा रहा है, रोक लगाइए, कंप्लेन कीजिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, डीएम साहब से मिलिए। बिल्कुल, तो आप ज्यादा खुश होते हैं तो मुखिया जी से जाकर गिर जाते हैं, कई दो चार लोग मिल जाते हैं तो जाके बीपीआरओ से मिलते हैं। बिल्कुल, तो उससे आगे भी तो रक्षण का जो राशि है वो राशि नहीं ले पाए हैं, पिछले जो काम किए हैं जो वो भी राशि नहीं मिला, रक्षण वाले राशि आप लोग कर रहे हैं, पीटीए पर दवाई बनाई है, पीटीए इन लोगों को कह रहा है कि हम अथी बना के नहीं दे रहा है, जबकि रिपोर्ट जिला में तो भेज रहा है कि नल जल इतना दिन चालू रहा है। बिल्कुल, तो आप रक्षण और रक्षक की राशि लीजिए, 96,000 रुपया होता है आपका 2 साल का, कोई हक और अधिकार में कटौती नहीं किया गया है। हाँ, जहां कटौती किया जा रहा है वहां भी तो आपकी जो मांग है उस मांग को उठाइए, उठाइए बढ़िया से। अभी देखिए सभी को मानदेय भत्ता जो है दुगना किया गया, लेकिन वार्ड सदस्य को 500 से मात्र 800 किया गया, तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है, तो आपको मिलेगा क्या? इसलिए आप छोड़ दीजिए, चुपचाप बैठिए, फिर अगला इलेक्शन की तैयारी कीजिए, आप हार जाइएगा, क्योंकि अपने वार्ड में तो कुछ काम किए नहीं। और नए लोग जो है अब वो तैयारी कीजिए वार्ड सदस्य बनने के लिए, और हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि आपके जीतने के लिए हर चीज को हम आपको बताते रहे हैं, हर बात आपको हम बताते रहे हैं। शपथ ले लीजिए कि हमारी जो भी वीडियो आएगी, चाहे डेली न्यूज हो चाहे कोई भी न्यूज, उस न्यूज को आप देखिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। डेली न्यूज में भी हम लोग वार्ड सदस्य के खबर को लाते रहते हैं, प्रतिदिन डेली न्यूज हम लोग को खबर बिहार समाचार जो है सुबह और शाम प्रतिदिन देखिए, और पूरी वीडियो को देखिए। हम लोग ये नहीं कि शुरू में जब बोलते हैं तो वही बोलते हैं, बीच में भी खबर आपके लिए ला देते हैं, बीच में भी खबर देते हैं। हमने देखा कि बस शुरू में देखते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं वीडियो को, तो अब बीच में बोलना शुरू कर दिए, अंत में बोलना शुरू कर दिए, तो इसको देखिए, तो नहीं तो आप हारने वाले हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ अपने ही खबर सुने, आप तो जानकारी रखना है तो हर विभाग की जानकारी रखिएगा, तब आगे बढ़िएगा, लड़िएगा। कौन विभाग में अभी देखिए शिक्षक की बात हो रही है, शिक्षक किस प्रकार से लड़ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, तो उनकी लड़ाई को देखिएगा तब ना आप में साहस बढ़ेगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका देखिए कितने दिनों तक पर्व त्योहार के मौसम में वो पटना की धरती पर पानियों की बौछार सहते रहे, लाठियां सहते रहे, और आज उनकी जीत हुई। टोला सेवक को देखिए कितना वेतन मिलता है, 25,000 वेतन मिल रहा है। बिल्कुल, लड़ाई के दम पर मिली है, लड़ाई तो केवल अपने से मतलब रखिएगा तो जाएगा ही आपको। आप कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट अपना कीजिए, कमेंट करके अधिकारी देखेगा कि आप किस जिला से, किस प्रखंड से और किस गांव से आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए क्या नाम है आपका, लिखिए वार्ड किस वार्ड के हैं, किस पंचायत के हैं, किस जिला के हैं, इतना लिखिए। कम से कम नहीं कुछ लिखिएगा तो आप ये बताइए कि आप इस वीडियो को किस जिला से देख रहे हैं। बिल्कुल, तब हम जानेंगे कि हमारे तो चार लोग ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप देखते हैं, उनका कमेंट हमेशा देखते हैं, उनसे लड़ाव है, और देखिए आज मतलब अच्छे बहुत सारे वार्ड सदस्य हैं सर जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि एक वार्ड सदस्य हमारे पास मैसेज भी भेजे, बात भी किया कि सर हमारे यहाँ जो है बिहार सरकार पंचायत भवन बनने वाला है, तो मुखिया जी जो है अपने गांव में लेके चल गए हैं, जबकि पंचायत मुख्यालय जो है इस जगह पर वहाँ वो नहीं बना रहे हैं, इस पर क्या करे, राय दिया गया, वो कंप्लेन किए, ऊपर तक कंप्लेन काम हुआ उनका। तो इस तरह से आप अपनी बात को उठाइए, आपका हक आपको हाथ में कोई आकर देने वाला नहीं है।
वीडियो देखिए, सारी चीज समझिए। अगर आपका अपना अधिकार लेना है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना होगा, हमारी हर वीडियो को देखना होगा, तब आपको सारी चीज की जानकारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिए। और केवल आप कमेंट करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, सही खबर नहीं। अरे भाई, जो पत्र निकला, जो मंत्री जी बोले, वही बात बताते हैं आपको। अब जो आप बोलते हैं वही बताते हैं, लेकिन आप बोलते कहाँ हैं? आप कमेंट करते हैं, उससे हमको मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है कि आखिर क्या चाहिए, तो उसी फिर वीडियो में लाते हैं। हाँ, तो बिना जो है कुछ कहे आपको कैसे कुछ मिल जाएगा? आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है। जो पत्र निकला, जो आदेश निकला, उस आदेश को बताते हैं। अब आदेश को पाना आपका काम ना है। हम हर पंचायत में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, आपका अधिकार दिलाएंगे। हम क्यों दिलाएंगे, आपको क्या उससे फायदा है? बिल्कुल, हम आपको केवल गाइडलाइन करेंगे। तो गाइडलाइन देखने के लिए, सहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के हर वीडियो को देखिए। कुछ भी नहीं देखिए तो आप अपना जो वीडियो आपके लिए वार्ड सदस्य के लिए डाल रहे हैं उसको देखिए, और डेली समाचार जो है, बिहार समाचार जो है, खबर बिहार जो है, उसको आप जरूर शाम देखिए, फुल वीडियो देखिए, पूरे परिवार के साथ सुनिए समाचार। आपके पास समय नहीं है कि लोग अखबार चाहे टीवी के सामने ज्यादातर बैठा रहे। अब तो समझ लीजिए कि जो आज के अखबार में छपना है वो हम एक दिन पहले ही बता, सुबह ही बता देते हैं, सुबह ही बताते हैं। आपको बहुत चीज मिल जाएगी, आप बस काम भी करते रहिए, मोबाइल चालू कर दीजिए, अपनी बात बहुत लोग फोन करते हैं, सर हम लोग गाय के सारी देते रहते हैं चालू कर देते हैं, सुनते हैं तो उनको फायदा हो रही है, बहुत सारे वार्ड सदस्य को फायदा हुआ है। तो बात की जब जानकारी रखिएगा, नियम की जानकारी रखिएगा, तब ना कहीं कुछ नॉलेज पर जितना ज्यादा जानकारी रहेगा उतना आपसे अधिकारी डरेगा, मुखिया जी डरेगा, सब कोई आपसे डरने के बाद आपका कदर करेगा। बात सुनिएगा, समझिएगा, नियम को जानिएगा, समझिएगा, तब ना ज्यादा बकझक करने से कोई फायदा नहीं है। जो समझने वाले समझेंगे, के लिए सारा काफी है, देखने वाले देखने करेंगे। तो बस हम इन्हीं पर छोड़ के चलते हैं कि आप देखिए या मत देखिए, आपको हक अधिकार मिले या ना मिले, आने वाले बिल्कुल तैयारी में लग जाइए आप। अधिकार लेने के लिए वार्ड सदस्य हैं, जो भावी वार्ड सदस्य हैं, वो अपने तैयारी में लग गए हैं और हमारी वीडियो खुद देख रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रहा है और आपके विपक्ष में, आपके सामने वह खड़ा होंगे और जीतेंगे भी और अपने वार्ड का विकास भी करेंगे। तो अगर फिर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या इसी में अपना अधिकार पाना चाहते हैं तो वीडियो की हर चीज को सुनिए, समझिए, आपको ताकत मिलेगी। तो अब हम आप लोगों से राम राम करते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद।